हर हर महादेव। जय श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी यात्रा 2024 पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह आप सभी को इस वीडियो की मदद से बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू होगी, साथ ही RFID कार्ड, EKYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। साथ में ये भी अपडेट है कि अमरनाथ जी यात्रा 6 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को नहीं चलेगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कई सारे भक्तों ने मुझे इसका मैसेज भी किया है, कहा है कि कुछ वहां पर कुछ VIP लोग आ रहे हैं, इसके कारण क्या यात्रा रद्द रहने वाली है, ये भी आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो की मदद से बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सकें। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी जानकारी बता दें, अमरनाथ जी यात्रा पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी जाती है। लगभग हर साल 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था भी रखी जाती है। अब आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर यह है, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो भी श्रद्धालु ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन सभी को बता दें जम्मू में आपके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे, इसी के साथ पहलगांव पंथा चौक में भी होंगे, पर जम्मू में जो है वो स्लॉट ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जम्मू में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ऑन द स्पॉट, क्योंकि जम्मू में अधिक स्लॉट्स दिए जाते हैं श्रद्धालु को। इसी के साथ पहलगांव में लगभग 100 स्लॉट्स ही अवेलेबल रहते हैं। अगर पंथा चौक की बात करें हम, तो पंथा चौक में भी 100 से 150 ही स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए जम्मू में ही अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएं। और साथ ही आप सभी के लिए बड़ी जानकारी बताते चलें कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, अपने साथ कोई भी आपने मेडिकल पहले से ही ने करवा कर लाना है, वहां पर ही आपका मेडिकल सब कुछ होता है। इसके बाद RFID और EKYC की बात करेंगे हम। EKYC और RFID कार्ड से जुड़ी आप सभी के लिए बड़ी जानकारी यही है कि देखिए, RFID कार्ड आप सभी का तभी बनता है जब आपका पंजीकरण पास होता है। अगर आपने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवाया है, या फिर आपने बैंक ब्रांचेस से अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करवाया है, ये मान्य रजिस्ट्रेशन माना जाता है। इसके बाद आपका बेस कैंप पर पहुंचने के बाद RFID कार्ड बनने से पहले EKYC का प्रोसेस होता है, और EKYC होने के बाद ही RFID कार्ड तीर्थ यात्रियों को दिया जाता है, और इसके बाद आपका RFID कार्ड बन जाता है, जिसके बाद कि आप बेस कैंप में एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद यात्रा पर आपको जाने की अनुमति दी जाती है। साथ ही आप सभी के लिए बड़ी जानकारी हेलीकॉप्टर से जुड़ी बता दें कि अमरनाथ जी यात्रा 2024 को लेकर हेलीकॉप्टर से जानकारी यही थी कि देखिए, हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जून के फर्स्ट वीक में हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो जाएगी, पर अब तक फिलहाल हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही आप सभी को बता दें, यात्रा पर आ रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए, अगर हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं यात्रा, तो अपना मेडिकल पहले से ही करवा लें, क्योंकि 15 जून से पहले अमरनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर स्लॉट्स ओपन होंगे, और ये आप सभी के लिए जरूरी खबर है। इसमें जो पिछले सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया था हेलीकॉप्टर चार्जेस, पंचतरणी टू पहलगाम या फिर बालटाल से पंचतरणी की बात करें हम, तो यहां पर कोई भी चार्जेस में अंतर नहीं देखने को मिला था, पर इस वर्ष आस जताई जा रही है कि इनमें भी जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा आपके लिए महंगी हो सकती है। साथ ही आप सभी के लिए एक और जानकारी बता दें, जिस तरह से काफी लोगों को एक अफवाह फैलाई जा रही है कि देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है 29 जून को नहीं चलेगी या फिर 6 जुलाई को नहीं चलेगी, तो देखिए ये पूरा का पूरा झूठ है, तो इस झूठ में बिल्कुल भी ना आए। कोई VIP नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई VIP आएगा भी, तो अमरनाथ यात्रा को इस तरह से स्थगित नहीं रखा जा सकता है, आप आराम से आएं, ये बिल्कुल पूरी तरह से अफवाह है। साथ ही आप सभी को बता दें, केदारनाथ की तरह अमरनाथ यात्रा पर बिल्कुल भी मत आ जाना बिना पंजीकरण के, क्योंकि इसमें आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं आप सभी को पहले से ही पूछ देता हूं, ठीक है, बता देता हूं, क्योंकि इसमें एडवांस पंजीकरण किया जाता है तीर्थ यात्रियों का, और एडवांस पंजीकरण जो है वो लगभग 3 महीने पहले अमरनाथ यात्रा का शुरू होता है, जिसमें आपको अपना हेल्थ चेकअप के साथ साथ और भी कई सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा परमिट बनाने के लिए देनी होती है, जिसके बाद ही आपका यात्री परमिट बन पाता है। और इस तरह से, मतलब जिस तरह के चार धामों में भीड़ भरी है, इस तरह से आप जम्मू
भगवती नगर बेस कैंप जैसे है कि वहां पर बिना पंजीकरण के मत पहुंचना और ना ही आप पहलगांव में पहुंचना, क्योंकि बिल्कुल आपको यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पंजीकरण हुआ है तो इसीलिए आना, अगर नहीं हुआ तो अभी भी करवा लो, अभी भी बहुत टाइम है पंजीकरण करवाने का। साथ ही आप सभी को बता दें, जो आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है, ठीक है, आप सभी को बता दें चलें कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले कह दिया, अगर ऑन द स्पॉट में बारिशें हुई, मौसम खराब हुआ तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी रुकता है। यात्रा में भारी भीड़ हुई तो ये भी आप सभी को बता दूं कि आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा, और यहाँ पर टोकन व्यवस्था जारी की जाती है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, और उसके बाद ही आपके पंजीकरण किए जाते हैं। तो इसीलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें यात्रा पर आने से पहले, और साथ ही साथ आपकी यात्रा इस वर्ष की मंगलमय हो, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है अमरनाथ जी यात्रा 2024 में। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी।